ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश से राम भक्तों ने शिरकत की। राम मंदिर उद्घाटन के साथ 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने पहुंचे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि मैं यहां मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या में दिवाली मनाई गई। दीपोत्सव के कार्यक्रम से पूरी अयोध्या जगमग हो उठी। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने में दिवाली मनाई गई। रामलला की नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने से हर राम भक्त खुशी से झूम रहा है। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से पूरा देश जगमग हो उठा। आपके इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।